नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। और आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आज बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए स्पेशल आलू टिक्की चाट। बहुत टेस्टी बनती है और झटपट बन जाती है और सबको बहुत पसंद आएगी। आप जब भी व्रत रहें इसको ज़रूर बनाए खाएँ। और ये कैसे बनी है चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम टमाटर की मीठी चटनी व्रत के लिए। उसके लिए हमने लिए हैं चार टमाटर, उसे हमने इस तरह काट लिया है। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। हमने टमाटर देखिए पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिया टमाटर का। अब इसको हम एक बर्तन में कर देंगे। हम गैस जला देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम व्रत वाला नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक पिंच। इसमें डालेंगे अब हम चीनी दो बड़ी चम्मच या एक चौथाई कप है। थोड़ा सा लिया है काली मिर्च पाउडर। अब इसको हम चलाएंगे पहले लगातार चीनी घुलने तक। टमाटर हल्के से खट्टे होते हैं इसलिए इसमें हम खट्टा करने के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इसको हमें उबाल देना है। इसमें बन चुकी है टमाटर की मीठी चटनी व्रत के लिए। हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसी जार में चटनी पीस लेंगे। हम लेंगे हरा धनिया और एक छोटा टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्च, सबको डाल देंगे हम जार में। इसमें डालेंगे हम व्रत वाला नमक। अब इसको हम पीस लेंगे। चटनी हमने पीस ली है। हमने उबले आलू लिए, उनको छील लिया है। अब उनको हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए हैं सारे। हमने लिया है दही। दही को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। दही फेंट लिया हमने, इसमें हम कुछ डालेंगे नहीं दही में। आलू में हम डाल देंगे व्रत वाला नमक। हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे, इसमें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इसको हम हाथों से मिलाएंगे। अब हम हाथ में लगाएंगे तेल और एक चम्मच लेंगे, इसमें भी हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब इसमें से हम इस तरह से आलू को लेंगे। इतनी बड़ी लेंगे हम आलू की लोई, उसको ऐसे हम गोल करेंगे। इस तरह से हम आलू की टिक्की बना करके रख लेंगे पहले। टिक्की बना ली है हमने सबकी। तवा हमने गरम कर लिया है, गैस बिल्कुल धीमी करी है हमने। इसमें हम डाल देंगे तेल। इस पर हम टिक्की रख देंगे। धीमी गैस पे इसको हम सिकने देंगे। ऊपर से हम तेल और लगा देंगे थोड़ा सा। अब सबको हम ऐसे धीमे धीमे करके तवे से छुड़ा करके पलट देंगे। इनको हम इस तरह से दोनों तरफ सेक लेंगे। देखिए सिक गई टिक्की अच्छी तरह से। अब सबको हम निकाल लेंगे। गैस को धीमा कर देंगे बिल्कुल। और इसी प्रकार से हम सब टिक्की सेक लेंगे। अब हम इसकी बनाते हैं चाट। सर्विंग प्लेट में रखी है हमने 3 टिक्की। इस पर हम डालेंगे सबसे पहले दही। अब डालेंगे हम टमाटर की मीठी चटनी।
हम लेंगे हरी चटनी, इस पे डालेंगे हम व्रत वाला नमक, थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा आप। अब डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, थोड़े से अनार के दाने, लीजिए तैयार है हमारी व्रत वाली आलू की टिक्की, मज़ेदार स्वादिष्ट। इसको आपको चटपटी बनाना हो तो इसमें हरी मिर्च आप और डाल लीजिए, बहुत टेस्टी बनी है, इसको आप व्रत में बनाए खाइए।